हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुकुल यादव एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने लॉगरिथम के अंदर आपको बताया था कि नेचुरल लॉगरिथम क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी चार प्रॉपर्टी और चार आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, तो वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। ओके, इस क्लास के अंदर हम ऑफ कोर्स उसी चीज पे आएंगे कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का। ओके, तो सपोज कर लो, तो इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कवर कर चुके हैं। एक तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे होता है, और दूसरा हम कर चुके हैं हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे करते हैं। उसके बाद हमको करना था कौन सा, लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखने वाले हैं फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। सो सपोज कर लो कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है lnx, y इज इक्वल टू lnx कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पे अगर मैंने आपको बोल दिया कि ln दे रखा है आपको, तो ln का क्या मतलब है कि log having base e, और आपको इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy by dx, वो मैं लिख सकता हूं, वो आपका क्या होता है 1 by x। ओके, अगर आपको कोई y दिया हुआ है इज इक्वल टू lnx, lnx का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ln का क्या मतलब है log having base e। तो lnx आपको दिया हुआ है, आपको इसको डिफरेंशिएशन निकालना है आपका। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट, वो होता है आपका dy by dx is equal to 1 by x। अब सपोज कर लो कि इंस्टेड ऑफ दिस lnx यू हैव गिवन सम डिफरेंट बेस, लेट्स से a, तो आपको log having base a दिया हुआ है और आपका इसको डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx is equal to, इसका आपका डिफरेंशिएशन होगा 1 upon ln a इंटू 1 by x। ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर बेस मेरा e है तो आपका जो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा वो क्या होगा आपका 1 upon x। अगर आपका बेस a है, log having base a, तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा 1 upon ln a इंटू 1 by x। ओके, तो यहां पे जैसे आप चेंज कर सकते हैं, a की जगह अगर आप e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln e क्या होता है आपका, ln e मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था कि कोई भी लॉग है अगर उसका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ln e आपका 1 हो जाएगा, तो आपका 1 by x ही आ जाएगा। ओके, और जैसे दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे आ रहा है लॉग ऑफ a, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि y इक्वल टू lnx है, तो इसका जो आपका डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा आपका 1 by x। सपोज कर लो कि मैं इसका भी फाइंड आउट करना चाहता हूँ log ऑफ a x का इस मेथड से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस y को मैं कैसे लिख सकता हूं, y को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ a। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी किसकी, लॉगरिथमिक की बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं क्या लिख सकता हूँ log x by log a, यहां पे मैं कुछ भी बेस लगा सकता हूं अब इसका। तो सपोज कर दियो कि मैंने e लगा दिया दोनों जगह, तो ये तो क्या हो गया आपका, अगर मैंने बेस इसका e लगा दिया तो ये तो आपका हो गया क्या lnx, और नीचे क्या हो गया आपका ln a, तो ln a हो गया, राइट। तो ln a तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से बता सकता हूं मैं कि dy by dx = lnx का डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है और ये कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 1 upon ln a और lnx का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1 by x, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है दोनों का, एक तो lnx का क्या होता है डायरेक्ट आपका होता है क्या 1 by x, और अगर कोई भी लॉग है उसका बेस अगर a है तो उसका होगा क्या 1 by x डिवाइडेड बाई 1 upon ln a, जो भी बेस होगा वो ln में आ जाएगा नीचे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ओके, तो अभी मैं डायरेक्टली आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी बता देता हूं, उसके बाद मिक्स तरह की प्रॉब्लम कर लेंगे दोनों का, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कुछ मिक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं किसका,
ताकि दोनों ओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए हमारा डिफरेंशिएशन। अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जो हमारा लास्ट फंक्शन बच गया है, वो बच गया है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सपोज कर लो कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दिया हुआ है वो है वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं, डीवाई बाई डीएक्स क्या होगा इसका, ये होता है केवल ई की पावर एक्स ही। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है y इक्वल टू e की पावर x जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के इक्विवेलेंट ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे v की पावर है x है, यहाँ पे भी e की पावर x है। तो फंक्शन में और इसके डिफरेंशिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है किसमें, अगर e की पावर आपका x कोई फंक्शन दिया हुआ है। ओके, दूसरा अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे e की जगह a हो, तो y इक्वल टू a की पावर x हो, a कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम e, e को छोड़ के कोई भी एक कॉन्स्टेंट हो सकता है a। अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका जो मेरा डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है क्या, a की पावर x ln a। ओके, तो यहां पे भी जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं a की जगह e को सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहां पे ln e हो जाएगा, ln e क्या हो जाएगा आपका, ये e की पावर x हो जाएगा, a की जगह मैं e सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, e की पावर x ln e, ln e आपका क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये e की पावर x ही बन जाएगा। ओके, तो आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं, डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है कोई भी log हैविंग बेस a, log x हैविंग बेस a, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई ln a इंटू 1 बाई x। ओके, डिफरेंशिएशन अभी आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y इक्वल टू e की पावर x आपको दिया हुआ है, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका, e की पावर x। और अगर y इक्वल टू a की पावर x दिया हुआ है आपको, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये होता है आपका a की पावर x ln a। ओके, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इन दोनों से रिलेटेड ही। ओके, सपोज कर लिया, आप सपोज कर लो कि कोई प्रॉब्लम आपको दी हुई है, क्वेश्चन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए की पावर एक्स टू ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका लॉगरिथमिक फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो सॉरी, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं कि ये मिक्स फंक्शन है, एक तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये दोनों, तो और ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आप dy by dx कैसे निकाल सकते हैं, dy by dx is equal to, आपको पता है 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका होता है क्या, a की पावर x ऐसा कैसा ln of a। ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो आपको पता है कि ये एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है फंक्शन के ही, तो ये e की पावर x ऐसे कैसे आ जाएगा हमारा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये मैंने बहुत बार हम कर चुके हैं, पावर हमारी आगे आ जाएगी और वी विल रिड्यूस 1 फ्रॉम द पावर, तो ये आपका आ जाएगा 2x। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट, नंबर 2। So, let's say y is given to you as, आपको दे दिया, let's say